हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। हमने कल पढ़ा बेटा रिकॉर्ड के बारे में, आज पढ़ेंगे हम रिपोर्ट्स के बारे में। आप लोग डेली डेली हम लोग ये एजुकेशन वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों को, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखो और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन लो और ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार देखने की कोशिश करो। बार बार देखने से क्या हुआ कि ये माइंड में आपके स्टे कर जाएंगे और माइंड में स्टे करने से ये चीज होगी। और एग्जाम टाइम के अंदर बस में बैठते हुए तुम जाओ तो ये सारी चीज देखना, क्योंकि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट आइदर रिटन और ओरल। हम लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमारे यहां रिपोर्ट कोई FIR रिपोर्ट तो होगी नहीं, कोई क्रिमिनल रिपोर्ट तो होगी नहीं या कोई और रिपोर्ट तो होगी नहीं। हमारे यहां रिटन और ओरल एक पेशेंट की रिपोर्ट हो सकती है। रिपोर्ट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। जैसे हमारा स्टूडेंट जब कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए जाता है तो कम्युनिटी के अंदर वो जो काम करता है उसका जब वो टीचर को आके बताता है तो एक रिटन रिपोर्ट बनानी होती है कि टुडे वी वेंट इन द कम्युनिटी एरिया इन दिस प्लेस ऑन दिस PSC वी रीच एट 8 AM और 8 बजे से पहुंचने के बाद आपने जो जो चीज वहां पर करी वो सारी चीजें आपको लिखकर और आपको आपके टीचर को दिखानी होती है। ये कहलाती है बेटा कम्युनिटी पोस्टिंग की एक दिन की रिपोर्ट। ये स्टूडेंट की बात है। अब हम डिस्कशन करते हैं हॉस्पिटल की। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे तरीके से। अब हम करते हैं हॉस्पिटल की बात, रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स मीन्स डेली हम लोग, जैसे कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में जो ड्यूटी करता है उसको डेली एवरी शिफ्ट एवरी टाइम एवरी ड्यूटी उसे रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो आपके सीनियर को इंफॉर्मेशन देता है कि आज हमने ये काम किया है मैडम, आज हमारी ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर ऐड होता है कि आपके कितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल आपके डिपार्टमेंट में आए, कितने पेशेंट आपने डिस्चार्ज करे, कौन पेशेंट सीरियस है। ऐसे पेशेंट का भी नाम लिखा, जैसे सपोज पेशेंट रामलाल, एज इतनी, सेक्स इतनी, CR नंबर इतना, डायग्नोसिस इतना और ऑपरेशन हुआ है उसका। उसके बाद में सामने लिखा जाता है पेशेंट रामलाल इज ट्रांसफर्ड टू OT, OT A, B, C, D, जिसमें OT एट दिस टाइम फॉर दिस सर्जरी। आफ्टर सर्जरी पेशेंट रिसीव्ड इन पोस्ट ऑप में आया पेशेंट एट दिस टाइम लिखा। आपने जो पोस्ट ऑप में किया बेटी, समझ में आ रहा है? आपने जो पोस्ट ऑप में किया कि इस पेशेंट का हमने असेस वाइटल साइंस आपको रखने, PPR BP इतना हुआ, BP इतना, पल्स इतना, रेस्पिरेशन, एंड पेशेंट SpO2 इज दिस। नाउ पेशेंट इज कॉन्सियस एंड ओरिएंटेड। यदि पेशेंट कॉन्सियस है और ओरिएंटेड है तो ये लिखना है, और यदि पेशेंट इंट्यूबेटेड है या किसी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो हम लिखेंगे पेशेंट कंडीशन इज नॉट गुड, पेशेंट इज ऑन इंट्यूबेटेड पेशेंट वी रिसीव्ड, या पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। ये लिखना होगा। लिखने के बाद में IV फ्लूड ऑन फ्लो, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन्ड, और उसके बाद जब आप उस पेशेंट को किसी वार्ड में, जैसे एग्जांपल की वार्ड 7 में आपने पेशेंट को शिफ्ट कराए तो आप उस रिपोर्ट में करेंगे आफ्टर दिस पेशेंट शिफ्टेड टू वार्ड 7 एट, अभी जैसे 6 बजे आपने, एट 6 PM विद कंप्लीट केस शीट एंड कुर्ता पाजामा, जो भी चीज उसके साथ थी उस सब सामान को आपने वहां पर शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट के बाद ट्रांसफर बुक के अंदर आपको साइन लेके रखना है कि आपने पेशेंट शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आप सारी डिटेल्स लिखेंगे, फिर शाम को आप बताएंगे कि टोटल इतने पेशेंट थे, आए इतने थे, डिस्चार्ज इतने हुए, गए इतने, डेथ इतनी हो गई, और हम उसे हमारे सीनियर ऑफिसर को भेजते हैं। ये कहलाती है रिपोर्ट। रिपोर्ट बुक मॉर्निंग में भी लिखी जाती है, इवनिंग में भी लिखी जाती है और नाइट शिफ्ट में भी लिखी जाती है। नहीं, डेथ को मोर्टेलिटी कहते हैं, वो एक टर्म है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर तो हम ये लिखेंगे ना टोटल इनटेक पेशेंट 16, टोटल आउटपुट या डिस्चार्ज 2, टोटल डेथ्स 2। मोर्टेलिटी एक कम्युनिटी की टर्म है कि टोटल मोर्टेलिटी, या बोल सकते हो कि मोर्टेलिटी इतनी हुई,
लेकिन उसकी बजाय क्लियर जब हम रिपोर्ट में लिखते हैं तो टोटल डेथ इतनी, आप मोर्टेलिटी लिख सकते हो कोई बात नहीं, वो हॉस्पिटल पॉलिसीज का फर्क पड़ता है। क्या बेटा? बर्थ रेट बोला जाता है, जन्म दर को बर्थ रेट बोला जाता है, डेथ रेट को मोर्टेलिटी बोला जाता है, और सिकनेस को मॉर्बिडिटी बोला जाता है। सिकनेस, सिकनेस आपसे पूछा जाए कि कितने लोग इस समय बीमार हुए, तो आप लिखेंगे टोटल मॉर्बिडिटी, यदि इन्फेंट की कर रहे हो तो टोटल मॉर्बिडिटी ऑफ इन्फेंट डिवाइडेड बाई टोटल बॉर्न इन्फेंट या टोटल इन्फेंट इंटू 1000। इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा, वो हम कम्युनिटी का एक स्पेशल सेशन लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। अभी हमारा जो समझने का पॉइंट है बेटा, रिपोर्ट शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, आपको याद करना है, इन रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन सीन और परफॉर्म और हियर्ड। यदि कोई आपकी ड्यूटी से भाग गया है, किसी के आपके निडिल स्टिक इंजुरी हो गई है, निडिल स्टिक इंजुरी मतलब हॉस्पिटल में काम करते करते किसी पेशेंट की निडिल आपकी उंगली में लग गई है, और वो पेशेंट यूपी, यूपी मीन्स यूनिवर्सल प्रिकॉशन वाला है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का जो मतलब होता है बेटा, वो होता है कि पेशेंट इज हैविंग एचआईवी, एचबीएसएजी, एससीबी, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूपी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। पहले के टाइम पर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लिख दिया जाता था फाइल पर, फाइल के ऊपर क्या लिख देते थे हम, यूपी, यूपी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि कोई पेशेंट ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित है जिसके खुद के एचआईवी, एससीबी, एचबीएसएजी हो रहा है, तो आप अपने प्रिकॉशंस यूज करके उसके साथ काम करेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, प्रॉपर गाउनिंग, प्रॉपर ग्लविंग, ग्लविंग में आप डबल लेयर पहनते हैं, आप ट्रिपल पहन सकते हैं, कैप, मास्क, सनग्लास आप यूज कर सकते हो, गिलास, व्हाइट परमिएबल गिलास, परमिएबल मींस ट्रांसपेरेंट गिलास, नॉट सनग्लास, ट्रांसपेरेंट गिलास आप यूज कर सकते हो, पहन सकते हो, पैरों के अंदर शू कवर, शू लेसेस, ऐसी कोई भी एरिया आपकी पूरी हॉल बॉडी कवर हो जाती है जिससे आपकी बॉडी उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए, और ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर और ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि आपके निडिल स्टिक इंजुरी हो जाए, निडिल लग जाए। यदि इस कंडीशन में निडिल लग जाती है तो हॉस्पिटल के अंदर निडिल स्टिक इंजुरी का एक रजिस्टर होता है, वो लिख दिया जाता है, और ऑन ड्यूटी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, या चीफ मेडिकल ऑफिसर जो आपके हॉस्पिटल है वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है, या कोई ऑथोरिटी जो निडिल स्टिक इंजुरी के लिए आपके हॉस्पिटल में बनाई हुई होती है उसके पास जाया जाता है। उस निडिल स्टिक इंजुरी के बनाए जाने के बाद आपको यदि निडिल स्टिक इंजुरी हो गई है, बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है आपको, दीज ये नॉलेज बेटा सारी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होती है, ये किसी भी टीचर को नहीं होगी जो थ्योरेटिकल पढ़ा। निडिल स्टिक इंजुरी आपको हो गई है, आपको डॉक्यूमेंटेशन, आप गए कि आपका सीएमओ निडिल स्टिक इंजुरी को देखेगा, आप निडिल स्टिक इंजुरी के लिए गए, सीएमओ के पास गए, सीएमओ ने आपका रिकॉर्ड देखा, रिपोर्ट्स देखा, कितनी इंजुरी हुई है, ब्लड हुआ है नहीं हुआ, कितना आया, कैसे आया, तो फिर वो क्या करते हैं बेटा, वो प्रोफाइलेक्सिस कैन बी एडवाइज टू द पेशेंट एज ए प्रीकॉशन, नॉट पेशेंट, एज ए पर्सन, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, एज ए प्रीकॉशन, मीन्स वो सीएमओ या निडिल स्टिक इंजुरी का जो इंचार्ज डॉक्टर है, यदि उसको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को निडिल स्टिक इंजुरी हुई है, तो वो प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट उस पेशेंट का स्टार्ट कर सकता है। प्रोफाइल एक्सिस मीन्स ऐसे ट्रीटमेंट या ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसे एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो कि उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी को बूस्टअप कर दे और ये जल्दी हील हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसके बाद पर्पज ऑफ रिपोर्ट्स की बात आती है बेटा, पर्पज ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले आपका आता है काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। पर्पज,
पर्पज के अंदर पहला आता है बेटा टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज रेंडेड ओवर टू ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपकी सर्विसेज, आपकी क्वांटिटी, आपका काइंड कितना काम करता है, यह कहलाता है रिपोर्ट्स के अंदर। आपकी सर्विसेज का फायदा क्या है यह मालूम पड़ेगा बेटा उस चीज से। उसके बाद टू शो द प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल्स, रिपोर्ट से पता पड़ता है कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, ये रिपोर्ट से तो मालूम पड़ेगा। उसके बाद एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन, आपकी रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा कि आप हेल्थ कंडीशंस की स्टडी क्या लेवल है। आज हमारे ऑपरेशन थिएटर में पूरे 24 आवर्स के अंदर 4 पेशेंट ऑपरेट हुए, कल 6 हुए, परसों 8 हुए, एक दिन 2 हुए। जब हम उस चीज का डायग्नोसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इस दिन कम हुए और इस दिन ज्यादा हुए। तो जो प्रॉब्लम आउटपुट में आएगी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज एन एड इन प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर रिपोर्ट हेल्पफुल होती है। टू इंटरप्रेट द सर्विसेज टू द पब्लिक एंड टू द इंटरेस्टेड एजेंसीज, और जो रिपोर्ट है उसको इंटरेस्टेड एजेंसीज पढ़ सकती है और प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम में ले सकती है। ये सारे हमारे क्या हुए बेटा, पर्पज ऑफ रिपोर्ट्स। अब जब हम रिपोर्ट्स के टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो टाइप्स आता है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। पहला कौन सा आएगा बेटा, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। वर्ड क्लियर है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इधर दिख रहे हैं इसमें, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। दूसरा जो होता है बेटा टेलीफोन रिपोर्ट्स, टेलीफोन रिपोर्ट्स। और नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स आती है बेटा वो कहलाती है हमारी टेलीफोन ऑर्डर्स, टेलीफोन ऑर्डर्स मींस ये सारी चीजें अभी हमारे टेलीफोन पर हो रही है, इस कारण टेलीफोन लिखा है। नेक्स्ट ट्रांसफर रिपोर्ट्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स। अब बेटा हर चीज की जो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स है वो हर लेवल पे अलग अलग होते हैं। ट्रांसफर रिपोर्ट यदि आप एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है तो किसी पर्सन के ट्रांसफर से रिलेटेड होगी, लेकिन हम लोग पढ़ रहे मेडिकल साइंस के अंदर तो यह ट्रांसफर रिपोर्ट आएगी तो वो आएगी हमारे पेशेंट की। नेक्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट लीगल रिपोर्ट्स। बेटा रिपोर्ट्स वैसे बहुत टाइप की होती है, लेकिन एक सिंपली इजी वे में हम लोग पढ़े तो हमारी जो रिपोर्ट्स होती है, पहला होता है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। हमारी नर्सिंग सर्विसेज के अंदर रिपोर्ट्स, हमारी नर्सिंग सर्विसेज शिफ्टिंग ड्यूटीज होती है। इस शिफ्टिंग ड्यूटीज के अंदर एक पर्सन मॉर्निंग ड्यूटी करता है, एक पर्सन इवनिंग ड्यूटी करता है, एक पर्सन नाइट ड्यूटी करता है। मॉर्निंग ड्यूटी जैसे एक शेड्यूल बन गया 8 बजे से 2 बजे तक, इवनिंग ड्यूटी 2 बजे से 8 बजे तक, नाइट ड्यूटी 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। 3 शिफ्ट होगी, कहीं 4 भी हो सकती है, कहीं 2 भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं मॉर्निंग ड्यूटी में पहुंचा, मैंने क्या किया, सारा रिपोर्ट में होगा। यदि किसी को एक पेशेंट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, किसी पर्सन को एक पेशेंट के रिगार्डिंग यदि कंफ्यूजन है, तो वो पर्सन क्या करेगा, रिपोर्ट में देख लेगा ना कि ये पेशेंट कितने बजे यहां आया, इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रीटमेंट भी लिखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। कई लोग बहुत और डिटेल में लिखते हैं कि ये वाइटल साइंस ये था, हर चीज को डॉक्यूमेंटेड होता है, तो वो बता देगा कि कितने बजे, यदि इसको मॉर्निंग का ट्रीटमेंट 9 बजे दिया है और बीडी ट्रीटमेंट है तो 12 आवर्स बाद इसको सेकंड डोज देनी है, तो वो फिर दूसरी डोज शाम को 9 बजे लगेगी। समझ में आई बेटी, तो ये चीज समझ में आई। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, मॉर्निंग वाला इवनिंग स्टाफ को रिपोर्ट देके जाएगा, रिपोर्ट मीन्स वो रजिस्टर या वो डॉक्यूमेंट्स तो इवनिंग वाले के पास भी रहेगा, तो इवनिंग वाला चेक कर सकता है। ये होता है बेटा चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। और हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई आपका सीनियर ऑफिसर होता है जो आपकी रिपोर्ट को एंट्री करेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेजेगा, वो अपने सीनियर के हॉस्पिटल को ऑफिसर को भेजेगा। जब ही तो एक मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर मेडिकल डायरेक्टर या जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है बड़े हॉस्पिटल का, उसको सब पता होता है मेरे हॉस्पिटल में कितना सेंसेस है, कहां कितने पेशेंट है, क्या कितना है, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल
वो रिपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ भेजी जाती है, इसको बोला बेटा चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स का पता भी होता है, कोविड के अंदर रिपोर्ट्स पे ध्यान दिया हमारे यहां कितनी डेथ हुई, किस वार्ड में कितनी हुई, कई जगह यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन कॉज बना तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई कि यहां डेथ ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट आता टेलीफोन रिपोर्ट्स। टेलीफोन रिपोर्ट्स होती है बेटा, आप अपने सीनियर को फोन करके टेलीफोन पे बताएं मैडम हमारे यहां ये पेशेंट आया, इसकी कंडीशन सीरियस है, हमारे यहां 32 पेशेंट थे, इतने पेशेंट ऑक्सीजन पे, इतने पेशेंट नेबुलाइजेशन पे, इतने पेशेंटों का ट्रीटमेंट है, इतने पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल है, इतने के स्टेबल नहीं है, एक पेशेंट डेथ हो चुका है। ये सारी रिपोर्ट यदि आप टेलीफोन पर बताते हैं तो इसको बोला जाता है टेलीफोन रिपोर्ट। वो लोग इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, अरे जब आप उसको बताओगे तो याद तो करेगा नहीं, वो राइटिंग करेगा, रिटर्न करेगा, और वो ऐसे हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट कलेक्ट करके वो डाटा आगे पहुंचा सकते। जैसे कोरोना के दौरान जब मैंने काम किया हॉस्पिटल के अंदर, सबसे पहले जब दिल्ली में कोरोना आया, सबसे फर्स्ट टाइम मैं कोविड के अंदर काम करने वाला पर्सन था, जिस टाइम पे मेरी रजत शर्मा के साथ स्टोरी आई थी इंडिया टीवी पर, सबसे पहले हम पहुंचे तो डेली का सेंसस पहुंचाना होता था, हर दो घंटे के अंदर सेंसस पहुंचता था, कितने पेशेंट आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कितने हुए, कितनी डेथ है, कितना डिस्चार्ज है, कितने पेशेंट है, कौन कौन से सिम्टम्स है, कहां कहां से आए, यूपी का है, दिल्ली का है, सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती थी, हमें फॉलो करना पड़ता था। वो रिपोर्ट टेलीफोन के थ्रू दो तीन पर्सन डाटा एंट्री में लगा रखे थे जो डाटा कलेक्ट करते थे, क्योंकि शाम को सीएम हेल्पलाइन पे डाटा अपडेट होना था। हमारे जो दिल्ली के सीएम साइट है उन्होंने भी बढ़िया काम करा, तो वो सीएम हेल्पलाइन पे डाटा अपडेट होना है। डाटा अपडेट कब होता था, जब हर एक हॉस्पिटल का पर्सन जाके उसको डाटा को अपलोड करेगा तो पूरे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल से उस डाटा को अपलोड करते थे तभी तो काम चलता था। हाँ, गवर्नमेंट या प्राइवेट, सबके इंस्ट्रक्शंस थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया, जितने लेवल पे हुआ था, कमियां ढूंढने से तो कमियां बहुत मिलेगी लेकिन अप्रिशिएट भी करना चाहिए, अप्रिशिएशन अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया, जब ही तो हम लोग इस महामारी को, इस प्रॉब्लम को झेल पाए। और हमारे, मैं चलता हूं, वो तो गवर्नमेंट पावर में है लेकिन हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने बहुत बढ़िया काम किया। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में मैं बड़े डॉक्टर, सर्जन, चीफ या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उनकी बात नहीं कर रहा, हमारा एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसने भी काम किया कोविड के अंदर। जो बेचारे सेंसस कलेक्ट करते हैं, जो डीसीडी वाले 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में काम करते हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और फिर हमारी पब्लिक भी इंटेलिजेंट थी, जिन्होंने देश के लिए एक साथ कोऑपरेशन करके, उन्होंने भी कोऑपरेट किया कि हमारे घर के आसपास में कौन भूखा है उसे खाना दो, कोई प्यासा है उसको दो, ट्रीटमेंट दो, करवाओ उसको, लो फ्री में खाना बांटो। लोगों ने अपनी झोलियां खोल दी जब एहसास हुआ कि पैसा और ह्यूमैनिटी और मूल्यता, इसके क्या वैल्यू है, तो लोगों ने किया ये काम। उसके बाद टेलीफोन ऑर्डर्स। टेलीफोन ऑर्डर्स मींस व्हेन वी आर गेटिंग द ऑर्डर थ्रू टेलीफोन फ्रॉम एनी सीनियर ऑफिशियल्स, दिस इज नोन एज टेलीफोन रिपोर्ट्स। ये चीज समझ में बेटा। उसके बाद ट्रांसफर रिपोर्ट्स। ट्रांसफर रिपोर्ट्स, अब बेटा हम मेडिकल साइंस के बच्चे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो यहां ट्रांसफर रिपोर्ट क्या होगी? यहां ट्रांसफर रिपोर्ट ये होगी कि हमारा कोई पेशेंट, यदि हम हमारे वार्ड से दूसरे वार्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारा एक रिपोर्ट के तौर पर वहां चला जाए। जैसे आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा कि भाई इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन या टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन या टैबलेट सिप्लॉक्स या टैबलेट पेंटोप या कैल्शियम वैल्शियम विटामिन सी, कोई भी टैबलेट हमें इसको प्रेस्क्राइब करनी है बीडी। 9 बजे आपके पास मरीज आया, आपने ट्रीटमेंट उसे दे दिया, 11 बजे आपने शिफ्ट कर दिया पेशेंट को। अब आगे आने वाले लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यदि उन्होंने 11 बजे दोबारा, आप यदि रिपोर्ट या कुछ रिटर्न में आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो वो दोबारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर रिपोर्ट बना के भेजते कि इस पेशेंट का ये चीज हमने किया, इस तरीके से डिस्चार्ज हो, आपके यहां ट्रांसफर कर रहे, ये ट्रीटमेंट है, ये वाइटल्स है, ये इनटेक आउटपुट है, ये इसके इस ड्रेनेज का आउटपुट है, ये इसके ड्रेन में खून आ रहा है, ये इसका सब कुछ A to Z लिख के उनको हैंड ओवर किया जाता है और रिसीविंग ली जाती है। जब ही तो हमारा पेशेंट हेल्दी होगा, पता पड़े
कि हमारे भाई रॉबिन भाई गए, इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया, फिर हम गए ट्रीटमेंट दे दिया, शन्नो गई इसने ट्रीटमेंट दे दिया, तनीषा गई ट्रीटमेंट दिया, अरे पेशेंट है क्या कुआं है कि इतना बड़ा ट्रीटमेंट दे दोगे भाई। सो एवरी डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिटन इन मेडिकल साइंस, बेटा ये चीज याद रखना, एवरी डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिटन इन मेडिकल साइंस, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स रिटन होगा तो कोई भी पर्सन उसको मेंटेन कर सकता है। ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट आता है इंसिडेंट रिपोर्ट्स। इंसिडेंट रिपोर्ट्स मींस आपके यहां एक सिंपल सा वार्ड में सब कुछ रिटन नॉर्मल चल रहा है, आपने नॉर्मल रिपोर्ट भेज दी, यदि कोई डेथ हो गई या कोई एमएलसी केस आ गया, मेडिको लीगल केस आ गया, या किसी को निडल स्टिक इंजरी हो गई, या किसी को मैकेनिकल इंजरी हो गई, वो सीएसएसडी पे काम कर रहा था टेक्नीशियन, सीएसएसडी फट गई या गेट खुल गया उससे वो जल गया, या कोई भी इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट को रिटर्न करके ऊपर भेजा जाता है, ऊपर मींस अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? सीएसएसडी होता है बेटा, सेंट्रलाइज स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट होता है बेटा, है ना, सीएसएसडी सेंट्रलाइज स्टरलाइज डिपार्टमेंट होता है, जहां पर हमारे हॉस्पिटल के पूरे सामान को स्टराइल किया जाता है ऑटोक्लेविंग के प्रोसीजर के थ्रू, उसको बोलते हैं सीएसएसडी, है ना बेटा, ये डिपार्टमेंट होता है, अलग से हॉस्पिटलों के अंदर होता है, ठीक है बेटा। इसमें अब मैं वहां का नाम क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है। अरे यदि हॉस्पिटल के अंदर कोई प्लग खुला रह गया, किसी पेशेंट को करंट लग गया, तो ये प्रॉब्लम हुई तो ये रिटर्न में लिखना पड़ेगा ना, जब ही तो एक्शन होगा। किसी स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी हो गई एचआईवी के पेशेंट की, तो परसों या 6 महीने बाद लोग उसके ऊपर शक नहीं करें, अरे इसको एचआईवी हो गया, ये हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो कम से कम बेचारे को डॉक्यूमेंट्स हो कि इसको यहां काम करने के कारण इसको ये इंजरी हुई है, तो ये कुछ फायदा तो हो उस पेशेंट को। बेटा निडिल लगने से ऐसे इन्फेक्शन नहीं होता, -0.001% चांस रहता है ऐसे डिजीज स्प्रेड होने का, लेकिन अरे मेरे बेटे चांस रहता है, सुनो बेटी चांस रहता है, बट इट्स ए चांस, आप काम कर रही हो, आप नहीं बच सकते, यूज करना है बचना, और यदि हो गई है तो फिर आपको जाना पड़ेगा ना, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, वो तो असेसमेंट होगा आपका कि कितनी इंजरी हुई है, कैसे हुई है, कितने लेवल पे हुई है, कितना वो जैसे एचआईवी का वायरस है, यदि निडल बाहर रखी हुई है ड्राई हो गया तो बहुत कंडीशंस में एचआईवी का वायरस मर ही जाता है ड्राई होने से, या टेम्परेचर ज्यादा है तो वैसे मर जाएगा। अब होना नहीं होना दैट्स द डिफरेंट थिंग, पर हमें जाना तो है हमारे निडलिस्टिक इंजरी का जो है, और वो रिटर्न करना भी जरूरी है। रिटर्न करने से क्या होगा कि आगे यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज का हम ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है लीगल रिपोर्ट्स। लीगल रिपोर्ट्स क्या होता है बेटा? लीगल रिपोर्ट्स किसको बोलते हैं नेहा? हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो लीगल के थ्रू होती है, या कई चीजें जो कोर्ट में चली जाती है, या कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लीगली किसको बताना है किसी को नहीं बताना है। जैसे किसी भी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, उसका डाटा कभी किसी भी मरीज को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपको कितना भी पैसा दे, अमाउंट दे, रिश्वत दे, नहीं बताना। क्या बेटा? नहीं, वो एक लीगली अलग है। लीगल यदि किसी पर्सन का कोई केस फंस गया, या किसी ने कोर्ट में चला गया, या कोई चीज हो गई है, तो वो जो लीगल के लिए हम रिपोर्ट भेजते हैं उसको लीगल रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे कई बार विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं, विकलांग सर्टिफिकेट से यदि किसी कोई लोग फर्जी बनवा लिया या कैसे कर लिया, कोई कोर्ट में चला जाता है तो फिर कोर्ट उसकी रिपोर्ट मांगता है, तो ऑर्थोपेडिशियन बैठ के विकलांग सर्टिफिकेट बनाता है या उसकी रिपोर्ट बनाता है कि क्या बेटा, हाँ किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारे क्या लीगल रिपोर्ट्स? लीगली प्रोटेक्टिव है कि आपको ऐसा करना है। उसके बाद बेटा ये सारी चीजें हमारी होती है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर। यदि कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, पूछिए कोई क्वेरी है आपके पास तो। कमेंट करके बताएंगे, कमेंट तो बाद के लोग करेंगे, आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बताओ, इस चैनल से जुड़े रहो। अब तो चैनल का नाम भी डॉक्टर अखिलेश शर्मा कर दिया है,
डॉक्टर अखिलेश शर्मा नाम से ही आप शेयर करो, आपको वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये भी एक सुझाव बच्चे ने दिया कि वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अखिलेश शर्मा लिखेंगे, उसकी बजाय सर अखिलेश शर्मा डालो, डायरेक्ट वो आ जाएगा। तो ये और भी अच्छा लगा भाई, ये सब लोग आपका मोटिवेशन है जो मैंने स्टार्ट किया है। वरना ऐसा नहीं है कि ये पर्सनल क्रेडिट मैं लेके जा रहा हूं, नहीं, ये आप लोगों के कारण हुआ है, वरना मैं तो ये प्लान नहीं कर। और थैंकफुल तो हम इस सेंटर के, जिस सेंटर ने हमें जगह दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहां हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इन्होंने यहां पे जगह दे दी जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, और इस जगह को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। वरना आजकल कौन जगह देता है पढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले तो हमारे जो सेंटर के ओनर है, हम उनको थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हमें जगह दी यहां पढ़ाने के लिए, जहां हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज, और आप लोगों को भी नॉलेज अपडेट करनी है और बाकी के लोगों को भी शेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर को थैंक यू करेंगे जिसने हमें जगह दी पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। हमारे यहां पर हम सबसे पहले थैंक यू देंगे कुंभज नर्सिंग एकेडमी का। ये एक जगह है जहां पर नर्सिंग एडमिशंस, कोचिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप आ सकते हो, मिल सकते हो। यहां पर सर बैठते हैं, आप उनसे मिल सकते हो कभी भी। हमारा जो एड्रेस है ये दिलशाद गार्डन में, जीटीबी हॉस्पिटल के 8 नंबर गेट के सामने, और या दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल के सामने, दिलशाद गार्डन में 8 नंबर गेट के सामने, गेट नंबर 2 पे ही सिचुएटेड है। और आप गूगल मैप पे कुंभज नर्सिंग एकेडमी डालेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर सर बैठे रहते हैं जो आरके शर्मा जी इनके ओनर है, उनसे आप कभी भी आके मिल सकते। बाकी मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, जितना भी होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर नॉलेज अपडेट करेंगे। और नॉलेज अपडेट करने के लिए ही हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है यूट्यूब पे आना, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है इस चीज का। और आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, और कोई बच्चा यदि ऐसा है कि जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हो, या किसी के साथ कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो या पैसे की दिक्कत हो, तो वो आके मिल ले, उसको भी हम क्लास ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है बेटी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है यार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो पहला जो चीज आती है वो होता है टाइमिंग। पहली जो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है टाइमिंग, दूसरा होता है परमानेंसी। परमानेंसी नेक्स्ट जो चीज होती है वो होता है कंप्लीटनेस। और जो चौथी जो चीज होती है बेटा वो होता है सिग्नेचर। मैं बताऊंगा बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी, और जो नेक्स्ट इसके अंदर होती है बेटा एक्यूरेसी, और जो इसके अंदर जो लास्ट जो इसका बेनिफिट होता है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। यूज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बेटा इसको आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा शॉर्ट नोट्स, समझ में आया? और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको एक तो डेफिनेशन याद करनी होगी, 4-5 इसके पर्पज होंगे, टाइप्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टाइमिंग मीन्स गुड रिकॉर्ड के ऊपर हमेशा टाइमिंग लिखी होगी। जैसे हम लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो हम लिखेंगे ना, जैसे मैं वार्ड 7 में काम करता हूं तो हम लिखेंगे मॉर्निंग रिपोर्ट ऑफ वार्ड 7 ऑन द डेट ऑफ, आज की डेट डाल दी 6/10/23, ये हम लिखेंगे। तो कल यदि कोई ढूंढना चाहे तो वो पता पड़ जाएगा ना कि इस डेट को ये तारीख पर रिपोर्ट लिखी हुई है भाई, क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है, कोई इंजरी हुई है वो भी लिखी हुई है, कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया वो लिखा हुआ है, कितने स्टाफ ड्यूटी पे थे वो भी लिखा हुआ है,
कितने पेशेंट ऑपरेट हुए वो भी लिखा हुआ है, कितने पेशेंट आए वो भी लिखा हुआ है, कितनी सारी डिटेल्स हमारे सिर्फ उस पन्ने पे लिख जाइए। तो टाइमिंग और डेट एक्यूरेट होना चाहिए, ये चीज समझ में। गुड रिपोर्ट कहने का मतलब है गुड रिपोर्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। दूसरा परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब ऐसे नहीं है कि तुमने जाके लिख दिया पेंसिल से, पीछे से गुरुजी पहुंच गए मिटा दिया इरेजर से, इरेजर से नहीं है तो ये ग्लव्स लिया ग्लव्स से मिटा दिया, पानी गिर गया इंक से लिया था वो फैल गया। परमानेंटली होना चाहिए, परमानेंटली मीन्स एक रजिस्टर स्पेशल हो जिसपे आप निब वाला पेन या निब वाला पेन, वो इंक वाला पेन तो छोड़िए, ये जो रिफिल वाला पेन होता है इससे आप लिख सकते हो, ये परमानेंट कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं हाफ छोड़ गए, तीन स्टाफ ड्यूटी पे थे आपने एक का नाम लिखा चले गए, सब चीज कंप्लीट होनी चाहिए। पेशेंट का आपने नाम नाम लिखा डिटेल नहीं लिखा, पता पड़े रामलाल नाम के पेशेंट तीन है आपके पास उस दिन, अब आप कैसे पहचान पाओगे रामलाल रामलाल रामलाल, और उसमें तो एक फीमेल और थी रामलाल नाम की, तो वो पूरा डिटेल लिखा हो, रामलाल एज सेक्स सीआर नंबर डायग्नोसिस ऑपरेशन वार्ड वार्ड, और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो तो एड्रेस भी लिख सकते हो, पूरा क्लियर कट लिखना चाहिए आपको। सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर होने चाहिए कि आपने रिपोर्ट लिखी है, पता पड़ेगी कल आप लोग कोई बंदा आया गड़बड़ करके चला गया तो रिपोर्ट में हमेशा सिग्नेचर, और सिग्नेचर यदि आपके ऐसे हो जिसमें नाम पूरा नहीं लिखते हो तो नीचे नाम लिखना होना चाहिए, आपकी पोस्ट लिखी हुई होनी चाहिए कि आप कौन हो क्या हो, कि जैसे मैं यदि मेरा नाम बोलूं कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा, यदि मेरी पोस्ट हो कहीं पे कि जैसे मैं यदि नर्सिंग ऑफिसर हूं तो नर्सिंग ऑफिसर, साइन जो मेरे हो वो मैं करूं, तो ये एक क्या होगा क्लू होगा ना कि क्लियर है सब थिंग इस बंदे ने लिखी है और अच्छा बंदा लिखता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इस पे ध्यान देना है बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो मरीज आ रहा है वो आपका रिलेटिव हो, आपका नॉन टू हो, आपका पड़ोसी हो, उसकी कोई आपको पर्सनल चीज मालूम पड़ गई, जैसे अरे यार ये तो इश्क में जहर खा के आया है, तुम्हारा पड़ोसी इश्क में पड़ोस की लड़की के चक्कर में जहर खा के आ गया, आपको पता पड़ा आ गए श्यामलाल जी रामलाल जी तो नहीं करते क्योंकि वो तो पुराने नाम हो गए, कोई नया हीरो आ गया उसने कर डाला गुरी कर गया, अब क्या होगा इस कंडीशन में, आपको उसकी चीज मालूम पड़ी, आपने क्या करा पर्चा फैला दिया सब जगह कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आइए आइए सुनिए खबर, मेरे से खबर सुनिए ये हुआ ये हुआ। ये नहीं करना है बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। तो मैं यदि किसी का रिलेटिव आके डाटा पूछ सकता है, कई बार ये होता है हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है डाइवोर्स हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई अलग है, तो मैं उस कंडीशन में जाना ही नहीं है यार, क्या कंडीशन है क्या है दैट्स देयर थिंग। आपको आपका डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रखना है, जो कि पेशेंट और पेशेंट का रिलेटिव वो भी पेशेंट की इच्छा हो तो वो बता सकते हो, वरना तुम्हें नहीं शेयर करना किसी को, आपको बोलना है आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइए हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात करिए, वो अवेलेबल करवा सकते हैं, सर मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपको आपके बारे में नहीं बता सकता, ना शेयर कर सकता, ना फोटोकॉपी दे सकता, ना लिख के दे सकता। पेशेंट को यदि एचआईवी हो गया है तो हम पेशेंट को समझा सकते हैं, काउंसलिंग सेशन के लिए भेजा जाता है कि आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के रूप में एचआईवी हो चुका है, ये एक बीमारी है जो कि आपके सिस्टम को मल्टी ऑर्गन फेल्योर कर सकती है, ये एक सिंड्रोम है, इसके प्रिकॉशंस के लिए आपको ये करना है, और आगे आप अपना मेंटल स्टेटस मजबूत रखिए, आप जी सकते हो, जितना बात करना है वो पॉजिटिवली बात करना है उसको, नेगेटिव एस्पेक्ट में ये नहीं अरे भाई कैसे हो गया कल मरने वाले हो इस तरीके से नहीं, अरे ये कैसे, उसको पॉजिटिवली बात करना है, और उसके फैमिली में यदि उसके क्लोज पेरेंट्स है यदि बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को समझा सकते हो, या उससे पूछ के पूछ सकते हो कि मैं आपकी वाइफ को एक्सप्लेन कर दूं, तो यदि वो कह देता हाँ मेरी वाइफ को समझा दो तो आप कर देंगे, और यदि कपल है तो आप दोनों को बुला के एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ऐसी ऐसी कंडीशन है ऐसे ऐसे आपको जीना है आगे का टाइम ऐसे करना है, तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ढोल नगाड़ा बजाना स्टार्ट कर दो पंपलेट छपा दो वार्ड में जोर जोर से चिल्लाओ भाई एचआईवी वाले इधर आओ, दिस इज वेरी बैड थिंग, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमें रिगार्ड करना है ह्यूमन राइट्स का और लीगल एस्पेक्ट्स का जो हमारे पास मौजूद है और जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए,
ये नहीं कि आप डाटा को उलट फेर कर रहे हैं, पेशेंट का बीपी आ रहा 98.86, आप लिख रहे हो 136/82, बीपी डाउन आ रहा है आप बीपी नॉर्मल लिख रहे हो और लिख रहे हो पेशेंट कंडीशन इज गुड और पेशेंट हो गया कॉलेप्स। तो जब वो रिपोर्ट देखी जाएगी तो वो कहेगा अरे यार तुमने तो बीपी डाउन बढ़िया लिख रखा है, इतने में भी पेशेंट कॉलेप्स कर गया। तो जो एक्यूरेट ओरिजिनल है वो उसके अंदर लिखनी है। पेशेंट यदि इंक्यूबेटेड है तो वो आपको लिखना है उसके अंदर, ठीक है बेटा। एक्यूरेसी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप ऐसे नहीं लिखोगे टीपीआर बीपी वाइटल साइंस मॉनिटर्ड बीपी इतना टेम्परेचर। वाइटल साइंस क्या हुआ, एक टर्म। डिस्निया एक टर्म, एस्पाक्सिया एक टर्म, फीवर एक टर्म। आप ऐसे थोड़ी लिखोगे मिस्टर श्यामलाल इज हैविंग हाई ग्रेड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फॉरेनहाइट, आप उसकी जगह लिखेंगे पेशेंट हैविंग फीवर 100 डिग्री फॉरेनहाइट। समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी। डिस्निया समझ में आ जाएगी सब, इंडाइजेशन समझ में आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन समझ में आ जाएगा, एनोरेक्सिया समझ में आ जाएगा, टूथ डिके समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये हाई टर्म हुई जो हम पेशेंट को लिख के देते हैं जिससे कि उसको समझ में आना है। ये चीज समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ माइंड के अंदर क्या बेटा। परमानेंसी का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज जो कि डिस्ट्रॉय ना हो, मिटे नहीं, उसको परमानेंटली लिखना है। परमानेंट लिखने का मतलब क्या होता है बेटा, ठंडा ज्यादा लग रहा है। परमानेंट लिखने का मतलब क्या होता है बेटा कि वो चीज लॉस ना करे आपका। कई बार होता नहीं कि कई लोग ऐसे चीज से यूज कर देते हैं कि इंक फैल गई, पेंसिल से लिख दिया, किसी ने मिटा दिया, कर दिया। तो ये चीज क्या करती है बेटा, आगे रिपोर्ट में यदि कोई पढ़ेगा करेगा तो उससे भ्रमित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा, रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिवली लिखी जाती है और एक्यूरेट लिखी जाती है, परमानेंट लिखी जाती है। ये नहीं तुम आज लिख गए कुछ, कल सुबह आके चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर। अरे जो आपने लिखा उसको ओरिजिनलिटी में परमानेंट करके लिखो, ये नहीं कि तुम डेली जाके चेंजेस कर दो। क्योंकि कभी जब कोई मुद्दा लीगली या कोर्ट में फंसता है तो यदि आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं या पेन से आप काटा फांसी कर रहे हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं और कोई नहीं फंसेगा। समझ मारा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ते बेटा वो पढ़ते हैं नर्सिंग Responsibility for record keeping and reporting. Nurses responsibility for record keeping and reporting. Nurses की क्या responsibility है record and report के अंदर? तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा keep under safe custody of nurses. हमेशा जो nurse है हमारी उसको अपनी सेफ कस्टडी के अंदर अपने रिकॉर्ड को रिपोर्ट्स को रखना है। सेफ कस्टडी का मतलब ये नहीं कि पेशेंट की वह फाइल मरीजों के पास ही घूम रही है, कोई मरीज जाके चाय भी पिया है रिपोर्ट के साथ और आ भी गया, ऐसा नहीं। वो सेफ कस्टडी में होनी चाहिए। नो इंडिविजुअल शीट शुड बी सेपरेटेड। कोई भी पन्ना रिपोर्ट का इधर से उधर हिलना डुलना, फेंकना थोकना ये नहीं होना चाहिए। नॉट असेसेबल टू पेशेंट एंड विजिटर्स। पेशेंट को असेस नहीं करना है, विजिटर्स को असेस नहीं करना है। स्ट्रेंजर्स इज नॉट परमिटेड टू रीड रिकॉर्ड्स। कोई भी अजनबी आदमी हमारे रिकॉर्ड रूम में नहीं घुसेगा। ये तो हर जगह का रूल्स है। यदि आप हमारे एक छोटे से इंस्टीट्यूशन के लिए या एक छोटे से ट्यूशन सेंटर के लिए भी सोचोगे तो वो भी अपने रिकॉर्ड रूम में नहीं घुसने देगा आपको, क्योंकि ये उसका पर्सनल इलाका है। Records are not handed over to the legal advisor without written permission of the administration. कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। कई आपको बोले आके कि मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं ये लीगल पर्सन हूं, मैं कोई भी पर्सन हूं, मैं पुलिस में हूं, मैं यहां भी हूं, कोई भी लीगल पर्सन हो उसको हमें ये नहीं कि वो आए और आपने डायरेक्ट उसे रिकॉर्ड हैंड ओवर कर दिए। आप उनसे बोलिए सर आप हमारी हायर ऑथोरिटी से जाकर मिल लीजिए। हायर ऑथोरिटी मीन्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, आप जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आप वहां जाके मिलिए, उनसे आप डिमांड करिए, वो मांगेंगे हम आपको रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और वो आप उनसे वहां से ले सकते हो। सर मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं आपको कोई भी रिपोर्ट किसी भी पेशेंट का कोई भी डाटा हैंड ओवर कर सकूं। समझ में। हैंडेड केयरफुली नॉट डिस्ट्रॉयड। यदि कोई भी डाटा हैंड ओवर करना है तो उसको केयरफुली हैंड ओवर करना है, क्योंकि कई बार जैसे हमारे मरीज की जो फाइल होती है वो कहाँ रखी जाती है,
एमआरडी डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक एमआरडी डिपार्टमेंट होता है। एमआरडी डिपार्टमेंट की जो फुल फॉर्म होती है बेटा, वो होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। समझ में आया बेटा? एमआरडी का मतलब होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एमआरडी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एमआरडी। एमआरडी क्या हुआ? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये चीज समझ भाई। हमारे जो पेशेंट के जो भी डाटा होता है, पेशेंट की जो फाइल होती है, पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती है, वो सारी एक बंच बना के एक प्रॉपरली सेफ तरीके से एमआरडी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। एमआरडी डिपार्टमेंट इस फाइल को, जो उनकी ड्यूरेशन होती होगी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अपने पास रखते हैं। हर पेशेंट का डाटा उनके पास रहता है, पूरी फाइल उनके पास रहती है, पूरा प्रोसीजर उनके पास रहता है, वो लोग उसको रखते हैं कि कल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एमआरडी डिपार्टमेंट से सॉल्यूशन हो सके। जहां तक कि एमसीएच में जहां डिलीवरी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो फाइल एमआरडी डिपार्टमेंट में जाती है। बाद में कई बार हो जाता है कि नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो वो स्पेलिंग को सुधारा जाता है कि एमआरडी डिपार्टमेंट के थ्रू। सुन लो सोनाली, बात मत करो बेटा। नेवर सेंड आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट द रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव के आपको, बिना एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द बायोडाटा ऑफ द पेशेंट सच एज नेम, एज, एडमिशन नंबर, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें फाइल के अंदर ऐड होनी चाहिए। ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर टू बी हैंडल्ड केयरफुली होना चाहिए। इंक्लूड अनरिमार्केबल मेजरमेंट, बीपी पास टेम्परेचर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ये हमारी रिपोर्ट्स के अंदर लिखना चाहिए कि कितना बीपी हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, नॉर्मल लिमिट में है कि एबनॉर्मल लिमिट में। एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द एडमिशन, एडमिशन के दौरान उसका क्या हेल्थ स्टेटस है, ये भी होना चाहिए। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एबनॉर्मल मूड साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व, पेशेंट की हर साइन एंड सिम्टम्स, हर ऑब्जर्वेशन हम पूरा करके उसको देंगे। इसके साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट होने के लिए अब हमें जो रिपोर्ट, हमारे रिकॉर्ड का हमने कल पढ़ा, आज रिपोर्ट्स, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, वीडियो देख लेना भैया। जो लेट आता है वो लेट इस वीडियो को पढ़ लेना, जो मैंने यहां बोला है वो इस वीडियो के अंदर लिखा हुआ है। आपको बस कंसिस्टेंटली आपकी अपनी कॉपी, अपना पेन लेके बैठना है, शब्दों को स्टॉप करते करते सुनना है। इस वीडियो से आपको बिल्कुल एज ए टीचर जैसा फील होगा कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, और आप साइलेंटली एक शांत एनवायरनमेंट में बैठ के जब इसको सुनोगे और जब आप डिक्टेट करोगे या कोई बुक रेफर करोगे, तो आपको ये रिपोर्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच।